हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल की दुनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम है। माई सेल्फ गुलजार। आज का टॉपिक जो है हमारा वो भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने से पहले हमारे पास स्प्रिट होनी चाहिए, कॉटन होनी चाहिए और एम्पल होना चाहिए और सिरिंज होनी चाहिए और अपने हाथों को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखिएगा, उसके बाद ही आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। अदरवाइज उसमें जो आपके हाथों में बैक्टीरिया होते हैं वो इस इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट में जा सकते हैं, जिससे कि उसको बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो आपको सारी प्रिकॉशन के साथ इन सारी चीज़ों को करना है। हमारे पास पहले से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हमने पहले से कर लिया है, जिसके लिए आपको स्प्रिट, सिरिंज और एम्पुल चाहिए ताकि आप उसको इंजेक्शन को लगा सकें। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं कि हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं। बटक्स में आज जो मैं दिखाने वाला हूँ वो बटक्स में हमने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया है। फ्रेंड्स, आज हम बटक्स में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने वाले हैं। तो पहले तो जिस जगह पे लगाना होता है उसको कॉटन में स्प्रिट लगी होती है वहाँ पर क्लीन करिए थोड़ा सा, उसके बाद 90 डिग्री के एंगल पे इंजेक्ट करते हुए पुश करिए ताकि मेडिसिन अंदर हो जाए, उसके बाद वहाँ कॉटन। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।